अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स. आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. सो वेलकम बैक टू द एमसीपीएस ऑनलाइन क्लासेस 2020 क्लास थर्ड इंग्लिश. आई एम योर इंग्लिश टीचर. एंड दिस इज़ योर इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड बुक 3 ऑफ क्लास थर्ड एंड इट इज़ एनसीईआरटी बुक. So students, today we are going to start unit 1st and chapter number 1, Good Morning. Basically, it is a poem. So students, it's your first unit and first chapter, Good Morning. Basically, it's a poem. So we will start this poem. First of all, I will read this poem. And you, all the students, please listen carefully. Good morning, sky. Good morning, sun. Good morning, little wind that run. Good morning, birds. Good morning, trees and creeping grass and brownie bees. How did you find out it was a day? Who told you night had gone away? I'm wide awake. I'm up now too. I will be right out to play with you. So students, now you will repeat after me. Good morning, sky. Good morning, sun. Good morning, little winds that run. Good morning, birds. Good morning, trees and creeping grass and brownie bees. How did you find out it was a day? Who told you night had gone away? I'm wide awake. I'm up now too. I will be right out to play with you. So students, I will translate this poem into Hindi. So इस poem में एक बच्ची है जो सुबह का जो नज़ारा है और सुबह वो कैसा महसूस कर रही है वो सब इसमें बता रही है. किस तरह से वो स्काई यानी आसमान को, सन यानी सूरज को, लिटिल विंड्स एंड रन जो है बर्ड्स को, ट्रीज़ को, किस तरह से वो सब कुछ जो है गुड मॉर्निंग विश कर रही है, कितना अच्छा वो महसूस कर रही है, कितना फ्रेश उसे लग रहा है और कितना खुश वो महसूस कर रही है. वो अपनी जो है फीलिंग्स इस पोएम में जो है बयां कर रही है और वो ये बता रही है कि मैं भी जो है सुबह सुबह उठ चुकी हूँ, मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ, मैं भी बिल्कुल जो है बाहर आके बिल्कुल खेलने के लिए रेडी हूँ. तो बेसिकली इस पोएम में ये बताया गया है कि आपको या हम सबको जो है सुबह जल्दी उठना चाहिए और सुबह के मौसम का जो है लुत्फ़ उठाना चाहिए, सुबह का मौसम को महसूस करना चाहिए. क्योंकि सुबह का मौसम जो होता है एक बहुत अच्छी सी, बहुत पॉजिटिविटी सी जो है हमारे अंदर, हमारे दिमाग में, हमारी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो लाता है. सो स्टूडेंट्स, इन योर होमवर्क असाइनमेंट इज़ न्यू वर्ड्स. सो प्लीज़ डू नोट डाउन द न्यू वर्ड्स इन योर इंग्लिश नोटबुक. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव एन्जॉयड लर्निंग विथ अस ऑनलाइन. थैंक यू.